आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया पर इस वक्त जो दृश्य है वो दृश्य है मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का, जहां पर कि ये आपको लैंड होता हुआ अभी हेलीकॉप्टर जो दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं मथुरा। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं मथुरा। उनके आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, बैठक लेने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मथुरा। कड़े सुरक्षा घेरे में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, और उधर से मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, गोवर्धन क्षेत्र के भाजपा विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह। ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। और ये विधायक पूरन प्रकाश भी नजर आ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी भी, और व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग, जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र, और पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, जिन्होंने चरण स्पर्श किए योगी आदित्यनाथ के। आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। यहाँ पर कमिश्नर भी दिखाई दे रहे हैं अनिल कुमार। और अब मुख्यमंत्री का काफिला बैठक के लिए प्रस्थान कर रहा है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान केंद्र में आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा आगमन का दृश्यावलोकन। मुख्यमंत्री इस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान केंद्र परिसर का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 सितंबर का आगमन है उसकी तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। योगी आदित्यनाथ आज मथुरा आए हुए हैं प्रधानमंत्री के 11 सितंबर के आगमन की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए। यहां पर आकर उन्होंने स्थलीय भ्रमण किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर का कार्यक्रम स्थल को देखा है यहीं पर, और अब प्रस्थान कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बैठक लेने के बाद नमस्कार महाराज।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेकर जाते हुए पत्रकारों से नहीं मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मथुरा दौरे के दौरान। निर्धारित समय से करीब पौन घंटा विलंब से आए योगी आदित्यनाथ, अभी अभी किया उन्होंने वापस प्रस्थान और लखनऊ में भी उनका एक कार्यक्रम है। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 4 बजे से गोमती नगर में उसमें शामिल होने के लिए वे जा रहे हैं। विधायक जी जरा आप बताएंगे कि आज मीटिंग में क्या क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा? माननीय प्रधानमंत्री 11 तारीख का जो कार्यक्रम मिनट सबकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, प्लास्टिक बिल्कुल प्रोविडेट कर दिया गया है, कहीं कोई भी इस तरह का काम नहीं होगा जिससे प्रधानमंत्री की उसको मौका पड़ता है। अब चलो जी भाई। हाँ हम यहाँ पूरे कैंपस में हमारा इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का कैंपस लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें हम कम से कम बकरी से लेके मुर्गे से लेके मछली से लेके कम से कम लगभग हम 10,000 जिनके ये सेक्स सीमन भी है जिसमें कि मछलियाँ पैदा होती हैं, वो भी जो गर्मा रहे होंगे पशु, गाय गर्मा रही होंगी, उनको फ्री दिया जाएगा। दूसरे जितने भी हमारे रोग हैं उनके टीकाकरण फ्री किए जाएंगे। तीसरा जो हमारी गाय गौ माता कहते हैं, हमारी एक आस्था का वो है, वो बहुत से व्यक्ति खाना खाते हैं पॉलीथिन से, उन पॉलीथिनों को खा खाते हुए हमारी गाय बीमार हो गई। हम 3 तरह के यहाँ ऑपरेशन हमारे जिसमें हमारे वेटरनरी विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स होंगे, हमारे पशुधन विभाग के डॉक्टर्स होंगे, हमारी महिलाएं भी डॉक्टर होंगी। वो एक तो ऑपरेशन पेट का करेंगी जिसमें
उसमें अनेक तरह की बीमारी भी और पॉलिथीन भी गायों के पेटों में होती है। दूसरा जो वो करेंगे, बहुत से पशुओं के पैर टूट जाते हैं और इस तरह से वो खींच के चलते हैं, तो वो पशुओं की ऑर्थोपेडिक सर्जरी उस तरह का ऑपरेशन करेंगे सर 11 तारीख को संभावित। तीसरा वो ऑपरेशन भी यहाँ होगा जिनमें कैंसर वगैरह पशुओं में हो गए हैं, उनके ऑपरेशन भी यहाँ किए जाएंगे। 11 तारीख को पीएम साहब के दौरे के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ क्या, फाइनल माना जाए? हाँ, ये सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दौरे की वजह से ही तो हो रही है। वो ही तो उद्घाटन करेंगे मेले का। उस दिन यहाँ पे कौन कौन आने वाले हैं और कौन कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, भारत सरकार के पशुधन मंत्री आएंगे, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और बाकी तो वो भारत सरकार के रोक ठीक 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 मंत्री जी मंत्री प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा? 11 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे पशुओं में भयंकर रोग हैं, मुंह पका है, खुर पका है, थनेला है, इन ये रोग जड़ से हिंदुस्तान के पशुओं में समाप्त किए जाएं, उसकी शुरुआत यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को करेंगे। उन्होंने मथुरा ब्रजभूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है इसलिए मथुरा को चुना है, हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। उस दिन यहाँ मछली से लेके, मुर्गा से लेके और गाय भैंस बकरी से लेके ऊंट तक, घोड़े, सारे किस्म के पशु होंगे जिनके ऑपरेशन भी किए जाएंगे, टीकाकरण भी किया जाएगा और ऐसे सीरियस ऑपरेशन जिनके पेटों में, गायों के पेटों में जहाँ पॉलीथिन है, जिन पशुओं को कैंसर है उनका भी ऑपरेशन किया जाएगा, जो इन पशुओं का ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी होगी, इस तरह के ऑपरेशन किए जाएंगे। सैकड़ों हमारे पशु चिकित्सक सर्जन यहाँ उस दिन ये करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे मेले। मंत्री जी ये जानना चाह रहे हैं आपसे हम कि आज जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने जो बैठक ली उस बैठक का सारांश क्या है? उस बैठक का सारांश यही था, एक विशाल जो पशु मेला यहाँ आयोजित हो रहा है जी, ये हमारे मथुरा का सौभाग्य है, ब्रजभूमि का सौभाग्य है कि पशुधन मंत्रालय मिलने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहले और भारतवर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ इस अभियान की शुरुआत मथुरा से कर रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देश दिए हैं कि उस दिन यहाँ कम से कम 10,000 पशु, जिसमें 20,000 किसान उनके साथ होंगे और एक विशाल सभा को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। ये सारी चीज़ें लाइव प्रसारण होगा इनका। मंत्री अगर बात करें तो पशुपालकों के लिए योजना जो चालू होने जा रही है कितनी लाभकारी रही, कितना उनको लाभ मिलता है? देखिए, पशुपालकों को पूरा लाभ पहुंचाने के लिए एक जो भी हमारी बीमारियां, घातक बीमारियां, मुंहपका, खुरपका, थनेला, ये जो घातक बीमारियां, कैंसर, इन समस्त बीमारियों का इलाज अब सरकार के द्वारा किया जाएगा, यही संदेश देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी ने मीडिया से मिलने में थोड़ा सा परहेज किया क्या? ऐसा देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम लगे हुए थे, हमारे अनुरोध पे कल उन्होंने ये स्वीकार किया, मैंने ये कहा एक प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आप भी कुछ मार्ग निर्देशन हमको दे दें, इसलिए वो आ गए थे, उनके प्रोग्राम लगे हुए थे, वो कभी मीडिया से परहेज करते भी नहीं है जी। और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ जल। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री एवं दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे की दी जानकारी।